हेलो एवरीवन, गुड ज्योतिष बैक विद अनदर वीडियो ऑन योगा हेल्थ। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइव थिंग्स विच यू डोंट नो अबाउट शाओमी और ज़ाओमी, आप जैसे बोलना चाहें। सो विदाउट वेटिंग लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, काफ़ी लोग जानते हैं कि शाओमी के साथ एक और ब्रांड जुड़ा है जिसका नाम है ब्लैक शार्क, और काफ़ी लोग समझ रहे हैं कि ब्लैक शार्क जो है शाओमी का ही एक सब ब्रांड है, लाइक रेडमी और पोकोफोन जो कि रिसेंट में आपने सुना होगा काफ़ी। बट नहीं, ब्लैक शार्क शाओमी का सब ब्रांड नहीं है। एक्चुअली ब्लैक शार्क एक डिफरेंट कंपनी है और शाओमी उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है, और शाओमी अलग काफ़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करती है। वैसे ही ब्लैक शार्क भी एक नई इमर्जिंग कंपनी है जिसके अंदर शाओमी इन्वेस्ट कर रही है, और शाओमी वैसे भी काफ़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करती रहती है ताकि उनकी टेक्नोलॉजीज और इम्प्रूव होती रहे, और शाओमी को एक डिफरेंट सोर्स मिल जाता है जहाँ से वो और टेक्नोलॉजीज उठा सके। सो ब्लैक शार्क इज़ वन ऑफ दम। ब्लैक शार्क में शाओमी का डायरेक्ट कोई इंटरफेरेंस नहीं है, बट येस दे आर इन्वेस्टिंग अ लॉट इनटू ब्लैक शार्क। ये रिसेंटली न्यूज है गाइज, ज़्यादा पुरानी नहीं है, बट शाओमी वॉज द फर्स्ट कंपनी टू लॉन्च 108 मेगापिक्सल कैमरा इन अ सेल फोन। येस गाइज, 108 मेगापिक्सल कैमरा इन अ सेल फोन, फर्स्ट लॉन्च बाय शाओमी ओनली। और एक बहुत बड़ी न्यूज़ है क्योंकि एक शाओमी बहुत ज़्यादा ओल्ड ब्रांड नहीं है, बहुत ज़्यादा रिनोन्ड ब्रांड नहीं है इंडिया में। इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स, बट यस इट्स नॉट वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स इन द वर्ल्ड, और फिर भी उसने ऐसा करके दिखाया, सो इट्स कमेंडेबल। जैसा कि मैंने लास्ट पॉइंट में आपको बताया कि शाओमी बहुत ज़्यादा रिनोन्ड ब्रांड है, बहुत ज़्यादा पुराना ब्रांड नहीं है। सो ये तो आप यहीं से पता लगा सकते हैं कि इंडिया में शाओमी सिर्फ 7 साल पहले आया है, इन 2013 के अंदर शाओमी इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया के अंदर, पहली बार आया था इंडिया के अंदर, और उसने पहला फ़ोन निकाला था, दैट वाज शाओमी 3। यस गाइस, शाओमी 3 वाज द फर्स्ट फ़ोन जो कि शाओमी ने इंडिया में लॉन्च किया था, एंड विद दैट शाओमी की एक नई ही सीढ़ी चालू हो गई, और उसके बाद वो रुका ही नहीं, इंडियन ब्रांड्स की उसने रही तही फेर दी थी, और उसके बाद तो वो चढ़ता ही चला गया। सो गाइज, अगर आपको ये पॉइंट्स अभी तक नहीं पता थे और ये इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, तो गाइज एक लाइक तो बनता है, और अगर आगे ऐसी वीडियोज और आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो गाइज, जैसे कि मैंने आपको पिछले पॉइंट्स में बताया कि शाओमी काफ़ी अलग कंपनीज में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करता है लाइक ब्लैक शार्क, तो उसके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं काफ़ी होती हैं। और मज़े की बात यह है कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स नहीं होती हैं गाइस, ये इन्वेस्टमेंट इस तरीके से होती हैं कि जितने भी प्रोडक्ट्स उन कंपनीज के थ्रू बनेंगे वो काफ़ी हद तक शाओमी के प्रोडक्ट्स के साथ वेल इंटीग्रेटेड होते हैं। सो कहीं शाओमी अगर कुछ सी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा, लाइक फॉर ए बल्ब, ये सब एक बल्ब बनवाना है या फिर कोई लाइट्स बनवानी है, तो वो कहीं ना कहीं शाओमी के साथ, शाओमी के डिफरेंट प्रोडक्ट्स के साथ अच्छे से इंटीग्रेट हो पाएंगे, रेदर देन कि वो एक अलग बल्ब बना रहे हैं और शाओमी अलग प्रोडक्ट्स बना रहा है, ऐसा नहीं होगा गाइस। शाओमी ये जानता है कि अगर इन्वेस्टमेंट करनी है और अपना इकोसिस्टम बनाना है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि जहां वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं इसके अपने प्रोडक्ट्स के साथ वेल इंटीग्रेट हो, वो जितनी भी इन्वेस्टमेंट है इसके मेन प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करे। इसका इकोसिस्टम जितना बड़ा होगा, लोग उतने ज़्यादा उस इकोसिस्टम के अंदर फंस जाएंगे, और बुरा भी नहीं है एक्चुअली। शाओमी अच्छे प्रोडक्ट्स बनाता है और डिसेंट प्राइस में बेचता है, सो नो इश्यूज इन दैट। और जितना अच्छा इकोसिस्टम होगा उतना अच्छा हमें एक्चुअली यूज़ करने में मज़ा आएगा। एप्पल का इकोसिस्टम आप जानते ही हैं, तो इट्स कॉल्ड द वॉल्ड गार्डन, तो या शाओमी का कहीं वॉल्ड गार्डन तो नहीं है, बट फिर भी एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस देता है जब वो अच्छे से इंटीग्रेट होती हैं चीज़ें। यस, शाओमी काफ़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है और वो इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा भी हमें मिलता है। सो अगला इंटरेस्टिंग फैक्ट गाइज, शाओमी के अपना कोई भी फिजिकल स्टोर नहीं है पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट चाइना। यस गाइज, यू हर्ड इट राइट, चाइना के अलावा शाओमी कहीं पर भी फिजिकल स्टोर नहीं बनाती, ना उनको कोई अभी तक ऐसा प्लान है कि वो अपने फिजिकल स्टोर्स बनाएंगे, ना अभी तक इंडिया में है। इंडिया में ट्रस्टेड पार्टनर्स टाइप के कुछ शॉप्स हैं, लाइक मेरे यहाँ पे एक नॉन में है और उनकी एक शॉप है जो कि पूरी पूरी से रीडेकोरेट हो चुकी है, और शाओमी के बैनर्स बड़े बड़े लग चुके हैं, और वो लिखा हुआ आता है ट्रस्टेड पार्टनर बाय शाओमी, बट वो शॉप पर्टिकुलरली भी उनकी नहीं है, उसके अंदर कई सारे डिफरेंट ब्रांड के मोबाइल्स बिकते हैं। तो एक पर्टिकुलरली सेपरेट फिजिकल स्टोर शाओमी का अभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट चाइना। चाइना इज द ओनली कंट्री वेयर दे हैव फिजिकल स्टोर्स। सो गाइज, ये वीडियो थी 5 points शाओमी के जो आपको नहीं पता है, बट लेट्स गिव यू अनदर वन जस्ट एज अ बोनस पॉइंट। शाओमी का एक ऑफिशियल मैस्कॉट भी है जिसका नाम है मीटू, ये आपको मालूम था? नहीं मालूम था, एक लाइक तो बनता है इस वीडियो पे। गो गाइज, लाइक दिस वीडियो, अगर आपको फैक्ट्स अच्छे लगे, फैक्ट्स इंटरेस्टिंग लगे, सब्सक्राइब भी कर दीजिए,
और अगली वीडियोस बहुत जल्दी आने वाली हैं। और अगर आपको कोई भी इंटरेस्टिंग फैक्ट ऐसे हो जो मुझे भी ना पता हो या मैंने इस वीडियो में मेंशन ना की हो शाओमी के बारे में, प्लीज़ उनको नीचे कमेंट डाउन में लिखिए। एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन गाइस। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।